हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं टिकटॉक के बारे में, जो आज हमारे देश में हर कोने कोने में काफी फेमस है। लोग बहुत अपना उसमें टैलेंट होता है वो उसमें दिखाते हैं। कुछ लोगों ने इसका बहुत गलत यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये बैंड हो गया। और ये क्यों बैन हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअल में क्या हुआ था, 3 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक बंद करने के लिए केंद्र सरकार को कहा था 3 अप्रैल को। लेकिन अभी इसका काफी दिन तक, बहुत टाइम तक इसका चल रहा था कि कैसे क्यों बंद किया जा रहा है। एक्चुअल में लोगों ने इसे काफी गलत तरीके से इसका यूज किया है, इसमें पोर्नोग्राफी ज्यादा यूज की गई है और जो स्टूडेंट्स थे उनमें यौन हिंसा काफी ज्यादा बढ़ गई थी। एक्चुअल में वो स्कूल जाते थे, स्कूल छोड़कर वो टिकटॉक पे ध्यान देना उन्होंने शुरू कर दिया और इस वजह से इसको बैन किया गया है। अब मैं बताऊंगी टिकटॉक, ये पहले ये चाइना का ऐप है जो भारत में लॉन्च किया गया था, जो कि लॉन्च हुआ था 2016 में और 2018 में ये काफी फेमस हुआ है, जिसकी कम से कम तादाद अप्रॉक्स मैं बताऊंगी आपको। फैब में ये 100 करोड़ के आसपास था, लेकिन उससे बढ़कर अब इस टाइम ये बहुत ऊपर पहुंच चुका है, जिसका 25% जो इंडियन है वो सबसे ज्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आप टिकटॉक डाउनलोड करने का सोच रहे हैं तो गाइस सॉरी, अब वो बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से इसे बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है और डाउनलोड नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास पहले से वो लोग इसे यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और लोगों का ये भी कहना है कि टिकटॉक की वजह से समाज में अश्लीलता फैल रही है, बहुत वल्गैरिटी फैल रही है, काफी लोगों ने सुसाइड किया है। कुछ लोगों ने मजाक में इसे लिया था लेकिन वो रियल में सुसाइड हो गया। मैं आपको इसके बहुत सारे केसेस बताऊंगी, जैसे कि हाल ही में एक घटना सामने आई थी जिसमें 19 साल का एक लड़का था जिसका नाम मोहम्मद सलमान था, उसको गोली लगने से मौत हो गई थी। वो क्या कर रहा था, एक नॉर्मली वीडियो बना रहा था, टिकटॉक वीडियो, और गलती से उसे गोली चल गई। और ये 13 अप्रैल को ये वाला हादसा हुआ। और फैब में भी एक स्टार्टिंग में खबर आई कि फ्रेंड थे, वो स्कूटर चला रहे थे और वीडियो बनाते बनाते वो उनको डेथ हो गया। पंजाब में भी एक लड़की ने वीडियो बनाई, उसकी मौत हो गई और उसका पैर फिसल गया और ट्रैक्टर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। और एक युवक ने ऐप पे वीडियो बना रहा था और गलती से अपना गला ही काट लिया, एक मजाक में उसने ऐसी नाइफ रखा अपने नेक पर और मजाक करते करते वीडियो बनाते बनाते उसका रियल में ही नेक कट गया। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम आई थी सामने, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। और जो बच्चे हैं स्कूल जाने उसको स्कूल की वजह वो क्या करते थे, रास्ते में टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दिया। तो काफी सारी चीजें आई हैं सामने, इस वजह से इसको गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर ने से बिल्कुल डाउन, इंडिया में ये बैन किया गया, सबसे बड़ी बात। अब लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि यूट्यूब पे भी ऐसा होता है, लेकिन यूट्यूब क्यों नहीं बंद किया गया। एक्चुअल में उसमें प्रॉब्लम ये है कि तो टिकटॉक वीडियो को प्रमोट नहीं करता, एक इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है आता इसमें, जबकि टिकटॉक में क्या होता है 13 साल का जो बच्चा है उसके लिए लास्ट इसका लिखा हुआ है कि 13 साल का बच्चा ऊपर का इसे यूज कर सकता है, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं आता। जबकि यूट्यूब में सबसे बड़ी बात है पूरा वेरिफिकेशन आता है, देन उसके बाद आप वीडियो जो भी एडल्ट वीडियो वगैरह कुछ भी होता है वो आप चला सकते हो, लेकिन टिकटॉक में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से भी इसके थोड़े जो हालात हैं वो थोड़े बिगड़ चुके हैं और काफी बड़ा हंगामा चल रहा है अभी इसके ऊपर। तो ये था, इससे कोई अच्छी सी अपडेटेड मेरे पास आएंगी डेफिनेटली, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। सबसे बड़ी बात है चाइना इस चीज पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, क्योंकि वो ये बोलता है कि अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता है तो इसमें कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जबकि आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो उसका सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है, देन उसके बाद वो अपलोड की जाती है, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है हमारा भारत के अंदर 25% यानी कि पूरा वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा टिकटॉक चलाने वाली संख्या भारत आती है, जो चाइना को अच्छा खासा एक रकम उनको फायदा बेनिफिट होता है, पता नहीं कितने करोड़ का होता है वो भी नहीं है। लेकिन यही बोलूंगी आगे कि अभी टिकटॉक का काफी अच्छा चल रहा है। अगर इसके मैं बता दूंगी, अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ भी मैं बताऊंगी, कोई अपडेट होगा मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगी। तो थैंक यू गाइज, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।